तालियों के साथ स्वागत कीजिए बुलेट ट्रेन की बात इस देश में कई वर्षों से हो रही है कितने एजेंडा आए कितने एजेंडा चले गए कितने रेल मंत्री आए कितने रेल मंत्री बदल गए लेकिन अब जिन कंधों पर यह भार है और तीन तीन भारी भरकम मंत्रालय मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस, रेलवे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। टी बहुत भारी भर का मामला लग रहा है <laughs> लेकिन रेलवे से शुरुआत करते हैं और अश्विनी वैष्णव जी सबसे पहले अगर देखें तो शायद प्रधानमंत्री की ये सोच थी कि युवा चेहरों को पॉलिटिक्स में इतने सफेद बालों के साथ भी युवा ही कहलाते हैं <laughs> तो <laughs> मैं तो युवा कहीं से नहीं हूँ पचास साल हो चुके <laughs> युवाओं के साथ एक नई सोच के साथ मिनिस्ट्री में नए बदलाव किए जाए सबसे ज्यादा आपको रेलवेज में क्या एक्साइट करता है क्या आपका विजन है ये जो विकास की बुलेट ट्रेन है इसका क्या मतलब है इस देश में रेलवे में, और लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ एक मंत्रालय है बिहार में अगर आप जाएंगे सर तो बैठे बैठे घर में भी बोलेगा सायरन सुन के हॉर्न सुन के कि मुजफ्फरपुर अब जा रही है बेगूसराय डाउन जा रही है दो घंटे लेट चल रही है चाहे उसको जाना हो ना जाना हो लेकिन वो इतना जुड़ा हुआ है क्या है आपका विजन क्या बड़ा कर रहे हैं आप रेलवे में प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है कि रेलवे देश की इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है इतना इसका पोटेंशियल है और दुनिया भर में इसके एग्जाम्पल्स हैं चाइना साउथ साउथ कोरिया जापान का अर्ली पीरियड जर्मनी का यूरोप के कई देशों का एक पीरियड जिसमें रेलवे बॉज दी प्राइमरी ट्रांसफॉर्मिंग फोर्स फॉर द इकॉनमी उसके लिए लेकिन रेलवे को पहले ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा अगर देश को ट्रांसफॉर्म करना है इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करना है तो पहले रेलवे को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा इस ट्रांसफॉर्मेशन के दो सिग्निफिकेंट पार्ट्स हैं पहला है पैसेंजर का एक्सपीरियंस स्टेशन हो ट्रेन सेट्स हो सेफ्टी हो किस तरह से आपका राइट फ्रॉम द पॉइंट यू बुक अ टिकट वहाँ से लेके आपकी जर्नी कंप्लीट होती है वहाँ तक का पूरा एक्सपीरियंस hmm. और दूसरा लॉजिस्टिक्स में जो रेलवे का रोल है देश में लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट को अगर कम करना है तो रेलवे हैज टू हैव अ सिग्निफिकेंटली लार्जियर शेयर ऑफ द एंटायर कार्गो मार्केट सो ये दोनों बहुत बड़े थ्रस्ट आइटम्स हैं बहुत बड़े फोकस आइटम्स हैं और इस पर पूरी टीम एक डेडिकेटेड वे में कमिटेड वे में काम कर रही है दो तीन एयरपोर्ट सर आपने बनाए और बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि पैकेजिंग सरकार है पैकेज ऐसे प्रेजेंट करते एकदम पांच सितारा होटल रेलवे स्टेशन के बीचों बीच अब गरीब आदमी जो चप्पल में चल रहा है बड़ा खुश अच्छा पांच सितारा होटल हम देखेंगे लेकिन ये जो कमलापति गांधी नगर स्टेशन भी कर चुके है ये क्या रूल बनेगा एक्सेप्शन नहीं रहेगा मुझे सबसे पहले तो इस बात की खुशी है कि आपने जब क्वेश्चन पूछा आपने कहा दो एयरपोर्ट्स बनाए आपने स्टेशन की जगह एयरपोर्ट नाम सॉरी रेलवे स्टेशन कि कितने अच्छे बने राइट right? हाँ. देखो स्टेशन में तीन चार चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं सबसे इम्पॉर्टेंट है सिटी के साथ इंटीग्रेशन ट्रैफिक का फ्लो इस तरह से होना चाहिए कि सिटी के साथ जिस तरह से जेल होना है वैसा हो सेकंड हर एक शहर का एक यूनिक कल्चर है जयपुर का अपना कल्चर है तिरुपति का अपना कल्चर है एर्नाकुलम का अपना कल्चर है जोरहट का अपना कल्चर है सिटी के कल्चर के साथ स्टेशन को मैच होना है तीसरा स्टेशन के अंदर एक बार आने के बाद में चाहे चप्पल पहने हुए हो या जूते पहने हुए हो कुछ भी पहने हुए हो या कुछ नहीं भी पहने हुए हो पैसेंजर का एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ हाउ द ट्रैफिक फ्लोज विद इन द स्टेशन ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के बना रहे कोई पैकेजिंग की बात नहीं इसमें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड देखो अभी करीब करीब चालीस एक स्टेशन की डिज़ाइन कंप्लीट हुई है रात में ग्यारह बजे प्रधानमंत्री जी मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि अश्विनी जी ध्यान रखना अश्विनी ये जो चीज़ें हम बना रहे हैं अगले 50 साल के लिए बना रहे हैं कहीं पर भी कोई शॉर्टकट नहीं होना चाहिए और हर जगह हर चीज़ शहर के दोनों हिस्सों में स्टेशन की एंट्री होनी चाहिए इधर से उधर तक क्रॉस कर सके वो फैसिलिटी रेलवे स्टेशन ही प्रोवाइड कर दे डिज़ाइन अंदर फैसिलिटीज़ हमारे गरीब आदिवासी लोग अगर वहाँ पे स्टॉल लगाना चाहे तो उनके लिए क्या फैसिलिटी होगी महिलाएं अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप से अगर वहाँ पे कुछ करना चाहे उनके लिए क्या सोचना है एवरीथिंग इतनी बारीकी से डिटेल में जा रहे हैं तो पैकेजिंग की बात नहीं है इट्स अ सिंसियर अटेम्प्ट चालीस स्टेशन बनाएंगे जहां जहां स्टेशन होने वाले, वाले, वाले जल्दी जल्दी करा बिल्कुल दिया बिल्कुल हाई स्पीड एग्जैक्टली exactly, यही तो एग्जैक्टली पीएम साहब ने यही बोला इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है ये चीज पचास साल के नया राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं हमें हर चीज का हमें ध्यान रखना है चालीस की डिजाइन अब तक कंप्लीट हुई है बनाने हमको कम से कम ढाई सौ तीन सौ तो बनानी है अगले दो तीन सालों में क्या हिंदुत्व का रंग रेलवे में भी दिखने लगा है कुछ पता है आप जान गए होंगे सवाल क्या है रामायण एक्सप्रेस वंदे भारत राष्ट्रवाद वहां भी ले आए ये, सर पटरी पर भी राष्ट्रवाद ले आए आप हर चीज में राजनीति क्यों देखते हो भाई भारत में इतना कल आप इस रा, रामायण के पीछे की, की थॉट प्रोसेस देखो पीएम साहब ने कहा कि दुनिया में हम किसी भी देश में जाते हैं एक छोटी सी छोटी चीज होती है उसको भी लोग इस तरह से दिखाते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा इतिहास हो उसके पीछे एक छोटा सा पार्क होगा वहां पे गेटिसबर्ग का एड्रेस हो गया अरे भाई लोग जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं देख रहे हैं सुन रहे हैं और क्या था एक छोटा सा पार्क था नथिंग टू बिलिटल एनीथिंग बट पॉइंट इज हमारे यहाँ तो देश में इतनी बड़ी हेरिटेज है इतनी सारी हेरिटेज है आपका आयुर्वेदा का देखो आप सफारीज देखो हमारे किले देखो हमारे जंगल देखो एक एक कल्चरल हेरिटेज के इतने सारे तो क्या उसको दिखाने के लिए रेलवे में एक नया सेगमेंट नहीं बनाए लोग तो कॉपी करने लग गए कौन कॉपी कर रहा है सर आप जानते हो <laughs> उन्होंने तो <को> आज <आँगा laughs> शिकायत की है सर कि आप जो अयोध्या वो भेज रहे थे सबको दर्शन करने के लिए आपने वहां मंच नहीं लगाने दिया आपने मीडिया की एंट्री रोक दी देखो आप दिल्ली के की हम लोग बात कर रहे हैं बहुत सिंपल सी बात है रेलवे का एक बहुत सिंपल सिस्टम है आपके प्रोग्राम के लिए जब तक रेलवे का प्रोग्राम नहीं हो तब तक मंच नहीं बनता लेकिन आप जाइए पैसेंजर्स से मिलिए पैसेंजर्स से मिलने से किसने रोका अगर वहां पे आप सारे पैसेंजर्स को लेके भाषण देना चाहते हो तो या फिर अयोध्या का कॉपीराइट बस बीजेपी के पास कोई कॉपीराइट अयोध्या देश की धरोहर है भाई अयोध्या देश की धरोहर है राम देश के कण कण में है उसको आप कैसे अंधकार सकते हो ये दिलचस्प है जो आप लोगों की छवि आपकी खास तौर पर हमारे मन में है राम कण कण में है बिल्कुल है राम की क्या व्याख्या है आपकी धर्म की क्या व्याख्या है हिंदुत्व की क्या व्याख्या है <laughs> अब आप <laughs> देखो मैं कोई फिलोसोफर नहीं हूँ मैं कोई बहुत अच्छा वक्ता भी नहीं हूँ हमारे देश में हमारा एक यूनिक कल्चर है इस कल्चर की स्ट्रेंथ इसकी रेजिलियंस इसकी डाइवर्सिटी इसका जो समावेशी भाव है सबको साथ लेने का भाव है वो भाव सबसे यूनिक है दुनिया में आप किसी भी देश में जाओ मुझे तो कई देशों में काम करने का मौका मिला जो एक जो इंडिया की एक ब्रॉड थिंकिंग है जो भारत की हमारी जो विचारधारा है जो भारत की हमारी सोच है एक ऑर्डनरी से ऑर्डनरी पर्सन को भी आप उठा के देखो उनसे बात करके देखो तो आपको जो व्यू मिलेगा वो व्यू दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा लेकिन फिर अगर समावेशी है तो एक सर बाइबल एक्सप्रेस भी खुल जाए एक कुरान एक्सप्रेस अगेन एक गुरु ग्रंथ एक्सप्रेस भी अगेन मैं यही तो आपको कह रहा हूँ रामायण इज जस्ट अ अगिनिंग भारत के कल्चर के इतने मैंने आपको कितने पहलू गिनवाए हर पहलू पे बन सकती है ट्रेन और बनेगी लोग बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं अच्छा प्राइवेटाइजेशन पर अब जरा आते हैं जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आप लोग जोर दे रहे हैं तो विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि आप लोग रेलवे रेलवे भी बेच देगी ये सर से बेचने की बात है हाउस पार्लियामेंट के फ्लोर पे माननीय पीयूष जी गोयल ने क्लियरली कहा था कि रेलवे के प्राइवेटाइजेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता रेलवे इज सच अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम आप आप सिर्फ ट्रैक को देखेंगे तो ट्रैक नहीं है वो ट्रैक है उसके सिग्नलिंग सिस्टम है उसका रोलिंग स्टॉक का सिस्टम है उसका ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन का सिस्टम है उसका ट्रेन का कंट्रोल सिस्टम है इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन बेचने की कोई बात ही नहीं है दुनिया भर में रेलवे इज प्राइमरीली अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ पर भी वैसा ही रहेगा इसमें कोई इस प्रश्न ही नहीं उठता है मैं कई बार कह चुका हूँ पीयूष जी कह चुके हैं इससे ज्यादा और क्या कहना भाई एकदम कन्फर्म है हंड्रेड परसेंट कन्फर्म कोई नियत नहीं है आपके ऐसी प्राइवेट प्लेयर्स को आप छोटी छोटी चीजों में घुसाना चाहते हैं देखो उस पर भी कहते हैं आप देखो देखो ये बहुत आपको बहुत केयरफुली आपको देखो 1950 से लेके उससे भी पुराने उससे भी पहले चले जाइए अगर आप आप क्या सोचते हो कि रेलवे का अगर इंजन बनाना है तो वो इंजन का हर एक पार्ट रेलवे की फैक्ट्री में ही बनेगा रेलवे का पूरा इको है बारह लाख मेरे रेल परिवार की खुद के एम्प्लॉय हैं लेकिन रेल परिवार तो दो करोड़ का है दो करोड़ लोग कौन है रेलवे के वेंडर्स है मैं तो छोटा बच्चा लाइक यंग एज में प्याऊ पे भी पानी पिलाता था मारवाड़ जंक्शन के स्टेशन पे तो ऐसा नहीं है हम सब रेल परिवार के हिस्से जो भी रेल से जुड़ता है किसी भी तरीके से चाहे वेंडर हो कॉन्ट्रैक्टर हो सप्लायर हो जो क्लीनिंग करने वाला व्यक्ति हो हर व्यक्ति रेल परिवार का हिस्सा है इसको क्या प्राइवेट और क्या पब्लिक बात करते हो भाई अब आते हैं ज़रा सर बुलेट ट्रेन पर सुनते भी हैं टीवी पे देख भी लेते हैं सर अब तो मुझे याद भी नहीं कितने साल पहले जाकर मैंने चाइना के बुलेट ट्रेन को कवर किया था क्योंकि यह था कि अब इंडिया में आएगा आते आते रह गया सर राजस्थान Bullet... गुजरात में नाइन्टी भूमि अधिग्रहण का मामला और इकतीस सिर्फ महाराष्ट्र में हो पाया है ये ये क्या दिक्कत आ रही है आ, ये जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं इस प्रोजेक्ट में जापानीज टेक्नोलॉजी शिंकान की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं राइट जापनीज़ का काम करने का तरीका ऐसा होता है कि जब तक सब चीज़ रेडी नहीं हो तब तक काम चालू नहीं करते महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के अपने चैलेंजेस हैं उन्होंने लैंड अक्वायर अभी तक ढंग से नहीं की गुजरात ने कर ली तो हम वेट कर रहे थे कि कंप्लीट लैंड एक्विजिशन हो तभी चालू करें लुकिंग एट द फैक्ट्स कि अभी महाराष्ट्र को थोड़ा और टाइम लग रहा है काम हमने चालू कर दिया पिछले तीन महीने में मैंने लास्ट वीक जब रिव्यू किया था एक पिलर्स कास्ट हो चुके हैं ऑलरेडी और अगले छः महीने में एवरी मंथ जिस तरह से प्रोग्रेस चल रही है रोलिंग बेसिस पे मैं रिव्यू करता हूँ अगले छः महीने में करीब 1400 के आसपास यानी करीब रफली 50 के आसपास किलोमीटर का पिलर्स कास्ट हो जाएंगे पिलर्स रेडी हो जाएंगे साथ ही साथ ट्रैक का कॉन्ट्रैक्ट दिया जा चुका है इलेक्ट्रिकल सिस्टम और सिग्नलिंग सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट एडवांस स्टेज में है बुलेट ट्रेन देश में आएगी और सबसे बड़ी बात जो मैं बुलेट ट्रेन के विजन के पीछे केवल बुलेट ट्रेन नहीं है उसके विजन के पीछे प्रधानमंत्री जी का ये विज़न है कि हमारा जो काम करने का तरीका है किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने का तरीका है किसी भी चीज़ की प्लानिंग का डिज़ाइन का वो तरीका भी हमारा एक तरीके से चेंज हो जैसे मेट्रो आई मेट्रो आते ही देश में कितना चेंज आया लोगों के बिहेवियर में चेंज आया कि नहीं आया आप बताइए सभी लोग बैठे हैं आप लोगों के बिहेवियर में चेंज आया मेट्रो से लाइन में लोग खड़े होने लगे पहले उतरने वालों को जगह देने वाले तो दीज आर प्रोजेक्ट्स विच आर ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट्स इसको कोई एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की तरह देखना ही नहीं चाहिए मंत्री जी बताइए पहली बार चढ़ेंगे कब बुलेट ट्रेन पे चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ दो में दो अभी तक तो वो डेट है 2026 हज़ार छब्बीस लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस भी है आई वॉन्ट टू गिव गिवियट आई डोंट वॉन्ट टू गिव एनी दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट इसकी डिजाइन में और भी कई तरह के चैलेंजेस है किस तरह के चैलेंजेस जापनीज की जो जापनीज पर्सन की जो एवरेज वेट होता है एवरी uh, पर्सन हाँ. और इंडियंस में हमारा एवरेज वेट है प्लस टेम्परेचर वहाँ का यहाँ का टेम्परेचर प्लस डस्ट तो उसके कारण हो सकता है रोलिंग स्टॉक के डिजाइन में ट्रेन के डिजाइन में हो सकता है थोड़ा सा चैलेंज आए तो ट्वेंटी सिक्स में बिकम ट्वेंटी सेवन बट नॉट बियड दैट ठीक है ये आ, आप गुजरात और राजस्थान महाराष्ट्र के एक बार लैंड एक्विजिशन पर जरा अटकते हैं कोई पोलिटिकल मामला तो नहीं हो गया है <laughs> ये तो आप उनसे पूछिए नहीं हम तो रेल मंत्री जी से पूछेंगे कि आखिर क्या दिक्कत आ रही है जब गुजरात में आपने 97 परसेंट जो आपको चाहिए थी जमीन वो अधिग्रहित कर ली राज्य सरकार ने महाराष्ट्र क्यों नहीं कर रहा महाराष्ट्र के लोगों को भी चाहिए या नहीं चाहिए बताइए महाराष्ट्र के बॉम्बे डजन बॉम्बे डिजर्व अ बुलेट ट्रेन ये मेरा क्वेश्चन है मुंबई को बुलेट ट्रेन चाहिए कि नहीं चाहिए कितने लोग कहते हैं हाँ हाथ उठाएं देखो सभी ने हाथ उठाए ये आप खबर दीजिए वहाँ पे ये आपके अंदर का टेक्नो जो ऐसे एकदम बताइए कितनों को चाहिए <laughs> तो आप मंत्रालय में भी सर ऐसे ही काम कर रहे हैं कि आपने कैसे देखिए तीन ऐसे ऐसे बड़े मंत्रालय और जो एग्जिस्टिंग टीम्स थी उसके साथ समन्वय बिठाना और हमने सुना है आपने एक लोग दो लोगों की छुट्टी भी कर दी है तो आप टफ हैं या क्या है आपका फंक्शनिंग टीम प्लेयर हमारे यहाँ पे वर्कशॉप होती है हमारे यहाँ नहीं होती है हमारे रूम्स में अगर आप जाएंगे खूब सारे व्हाइट बोर्ड्स लगे हुए हैं कोई भी उठ के अपना आइडिया वहाँ पे लिखता है और अच्छे से डिबेट होता है हायर नहीं रहती है एक जूनियर बंदा भी मंत्री को क्लियरली चैलेंज करके कह सकता है अश्विनी जी आप ठीक नहीं कर रहे हो लेकिन हाँ जो काम नहीं करना चाहे वो छुट्टी पे जाए या वीआरएस लेके घर चला जाए बहुत सिंपल है जब प्रधानमंत्री जी स्वयं इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमारी ड्यूटी नहीं बनती पर इंटरेस्टिंग है सर आप राजस्थान के आप हैं आई कानपुर उसके बाद आप उड़ीसा तो आपको हर उड़ीसा जो, जो है अब हर जगह से लोग आकर उन दिनों वीडियोस वायरल होते थे सर हम आई कानपुर से पढ़े हैं <laughs> अब सर गले लगा रहे हैं नए नए मंत्री जी गले लगा रहे हैं तो टीम बिल्ड करना और वो फ्लो इन करना इन एन एग्जिस्टिंग सिस्टम रेलवेज कितना बड़ा है इनिशियल डेज कैसे थे जब आपका ट्रांजिशन हुआ आप ऑलरेडी पॉलिटिक्स में थे वाजपेयी जी के साथ आपने काम किया यू न्यू द रोप्स बट टू हेड सच मिनिस्ट्रीज़ वो ट्रांजिशन कैसा था मुझे तो कोई डिफिकल्टी नहीं आई और मेरे ख्याल से लोगों ने भी इसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट भी किया टीम ने बिकॉज देखो इंटेंट क्लियर है प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन क्लियर है हमें देश को किधर ले जाना वो चीज़ एकदम क्लैरिटी है तो ऐसे में किसको ऑब्जेक्शन हो सकता है ट्विटर से सर आजकल लड़ाई बंद हो गई है क्या जब से आप मंत्री बने बात <laughs> लड़ाई की नहीं है देखो देश में एक कानून बना हुआ है तो उस कानून को मैं हूँ आप हो ट्विटर हो फेसबुक हो सभी को पालन करना ही करना है इसमें करना क्या बट ये यहीं से अगले सवाल पर जाते हुए कि हमने देखा कि जब इतने पावरफुल ये सोशल मीडिया जॉइंट्स बन गए कि अमेरिका जैसे मुल्क में वहाँ से तय हो रहा था कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा वहाँ की पार्लियामेंट ने मार्क जकबर्ग जैक डॉसी सबको अकाउंटेबल किया उनके सामने बुलाया उनको अपने आर्ग्यूमेंट्स देने पड़े जिस तरह के फेक न्यूज थे या उनका ए काम कर रहा था कैसे पर्टिकुलर पोस्ट को वो प्रमोट कर रहे थे लगता है जैसे दूसरे मुल्कों में तो वो पालन कर लेते हैं इंडिया को फॉर ग्रांटेड लेते हैं इसकी क्या काट है आपके पास मंत्री जी देखो ये आई वु फुल्ली अग्री विद यू क्योंकि जैसे ही मैं तो देख रहा हूँ सभी ने जितनी भी हमारी कंप्लायसेस या जो एक बेसिकली हमारा इंटेंट क्या है हमारा इंटेंट एक ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम बनाना ट्रस्ट बेस सिस्टम बनाने की ज़रूरत क्यों है मीडिया एक लेवल पे डेवलप हुआ टीवी आया न्यूज़पेपर से टीवी की तरफ शिफ्ट हुए आज सोशल मीडिया इस बिकम ओमनी प्रजेंट अगर बोलो हर जगह हर किसी के पास में सोशल मीडिया का सोशल मीडिया की पहुँच है रिटर्न वर्ड है एक ह्यूमन साइकोलॉजी की हम रिटर्न वर्ड पे बहुत विश्वास करते हैं व्हाट्सएप में भी कोई मैसेज आया उसमें ये लिखा कि डाडा डाडा कुछ 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 ये लिखा हुआ है मुलाबला तो उसको लोग विश्वास करते हैं नाउ कैन वी हैव अ सिस्टम इन विच देर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी ऑन एनी बडी वी हैव टू हैव अ सिस्टम विच इज़ ट्रस्ट बेस्ड वेर द यूजर्स राइट्स आर प्रोटेक्टेड प्लेटफॉर्म इज नॉट जस्ट अ प्लेटफॉर्म बट इज़ ऑल्सो ओनिंग अप द कंटेंट उस डायरेक्शन में हमको जाना ही पड़ेगा केवल हमारी बात नहीं है सारी दुनिया में इस तरह का एक आज व्यू पॉइंट बन रहा है कि अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए सोशल मीडिया हो किसी भी प्लेटफॉर्म की आप आप देखो आप इतनी मेहनत करके इतना अच्छा काम करने का ये advantage तो आपको है ही <laughs> ऐसा कुछ नहीं हाँ आदमी जा रहा है वहां से दस कदम आप आगे हैं बट इट्स दोधारी तलवार एक तरफ देखिए सोशल मीडिया में एक प्रोपोगेंडा एक तस्वीर यहाँ पर दो बैठे लोगों की निकाल लें वो कुछ भी उसके नीचे लिख कर डाल दें सोशल मीडिया पर किसी की छवि बिगाड़ दें किसी की छवि बना दें किसी का कुछ भी कर दें और जो रियल जर्नलिज्म है वो बहुत थ्रेट फेस करता है आप ग्राउंड पर किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं तब प्रॉब्लम नहीं ले रहे हैं उसके उसके बड़े इंटरप्रिटेशन होते हैं और जो रियल कंटेंट होता है न्यूज़ का वो भी सफर कर रहा है दूसरी तरफ अगर आप रेगुलेशन की बात करेंगे तो बोला जाएगा ये सरकार तो किसी को मुंह खोलने नहीं देती तो आप कैसे आप देखो दुनिया भर में एक मत बन रहा है दुनिया भर में एक व्यू पॉइंट बन रहा है इट्स नॉट जस्ट इंडिया ऑल दर फेसिंग दाइट बिकॉज उस टेक्नोलॉजी के तो कोई बॉर्डर नहीं है कोई बाउंड्रीज नहीं है दट इज ऑल पर भर में एक मत बन रहा है कि देर हैजू बी एन अकाउंटेबिलिटी ऑफ वॉट एवर इज पब्लिश ऑन सोशल मीडिया फॉर इफ समीज ने ड्रैग इन टू कॉन्ट्रोवर्सी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो थ्री hmm. कंटेंट के लिए किसको कितना मिलना चाहिए ये सारे इशूज़ कोई अपने इश्यू नहीं है सारी दुनिया भर के इशूज़ है और उस पर एक मत बन रहा है आई एम वेरी ग्लैड दैट वी आर मूविंग इन अ वेरी इन इन अ डायरेक्शन इन विच यूजर्स के ऊपर ट्रस्ट हो मीडिया के ऊपर ट्रस्ट हो और जो मेहनत कर रहा हो उसको एक उसका मिले क्या ऐसे सोशल मीडिया जॉन्ट्स को आप इंगेज कर रहे हैं फिलहाल अभी ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है गवर्नमेंट्स सभी स्टेक होल्डर्स के साथ एंगेजमेंट तो रहता है एंड वी आर अ वेरी ओपन माइंडेड गवर्नमेंट मैंने अगर आप बहुत डीपली उनके जैसा इंटेंट लिस्टर आपको कभी नहीं मिलेगा क्या 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 रिलेशनशिप है वो क्या उनके सवाल होते हैं इन तीनों डिपार्टमेंट्स को रिलेटेड ये बात तो पक्की है कि उनके साथ काम करने का एक बड़ा कंफर्ट लेवल है बिकॉज हर चीज को बारीकी से जानते हैं वो बारीकी से देखना चाहते हैं ही वॉन्ट्स टू गो इन तीनों मिनिस्ट्री किसी भी सब्जेक्ट पे आप कोई भी सब्जेक्ट लेके जाइए कभी भी ही विल नेवर सुपरफिशियल अगर आप लेके गए तो फिर आप वापस जाइए लेकिन सुपरफिशियल कोई चीज लेके गया तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे यू हैव टू गो इन डीप हर चीज को बारीकी से देखना पड़ेगा मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लगानी पड़ेगी आपको हर चीज का एग्जामिनेशन 360 डिग्री करना पड़ेगा ये तो है तो कैसे आप आपको समझ में आया कैसे उन्होंने तय किया कि मुझे अश्विनी वैष्णव को ये तीन महत्वपूर्ण मंत्रालय देने दे हैं <laughs> मैं लायक नहीं हूँ इस लायक नहीं हूँ <laughs> आपको अभी भी, भी लग जिम्मेदारी दे दी ठीक है लेकिन मैं इस लायक नहीं हूँ ये आपका बड़प्पन है अगला सवाल है सी हो दिल्ली दंगे हो या फिर क्रिकेट अभी हाल में हमने देखा था हार के बाद एक पर्टिकुलर पे प्लेयर को स्टॉम जिस तरह से ट्रोल किया जा रहा था बहुत सारे ऐसे आईडीज़ निकले जो कि दरअसल पाकिस्तान में ओरिजिनेट किए थे और गलत नामों के साथ वो कर रहे थे ये थ्रेट कैसे हम डील करेंगे जब ये ऐसे देश के साथ हो जाए हालांकि मेरे पास रिपोर्ट आई नहीं है लेकिन जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनी थी डेटा प्रोटेक्शन बिल पे उसने प्रोबेबली ऐसा कोई जैसा न्यूज़ में सुना मैंने देखा Uh, शायद ऐसा रिकमेंडेशन भी किया है कि हैंडल्स का वेरिफिकेशन भी होना चाहिए एंड आई थिंक दैट्स अ ट्रेंड विच इज दैट्स अ डिमांड विच इज कमिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड कि कोई भी किसी को अभी ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने बोला था hmm. कुछ ही दिनों पहले कि कोई भी किसी के बारे में कुछ भी लिख दे कुछ भी बोल दे वो कोई बात है कोई उसका तो कोई होना चाहिए ना कि भाई किसने लिखा किसने किसके बारे में क्या बोला उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिक्स होनी चाहिए सो दैट ट्रेंड इज कमिंग नाउ दैट थॉट प्रोसेस इज कमिंग एवरीवेयर

पॉसिबल टू से यह हैंडल यहाँ से बना इस आई पी से बना करेक्ट hmm. तो ये ये जो पॉइंट है दिस इज़ अ ग्रेट पॉइंट विच एवरी टेक्नोलॉजी कंपनी एंड एवरी सोसाइटी विल्स टमोरो आस्क कि कोई एक अनोन हैंडल से किसी को ट्रोल किया जा रहा है किसी को डेनिग्रेट किया जा रहा है किसी को कॉन्ट्रोवर्सी में डाला जा रहा है तो प्लेटफॉर्म तो बताए hmm. प्लेटफॉर्म बताए कि वो कौन था कहाँ से आया था किसने लिखा था क्यों लिखा था किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पॉइंट आएगा हम कुछ सवाल भी लेंगे ऑडियंस से लेकिन सर कितने लोगों के फ़ोन आजकल आप लोग टैप कर रहे हैं <laughs> राहुल गांधी इतने गुस्से में बैठे हैं सर और वो पूछ रहे हैं और आप पैगेस पे गए थे जवाब देने वो हो नहीं पाया तो आज आपके पास सुनहरा मौका है आज तक में देश भर के लोग सुन रहे हैं बताइए कितने लोगों के फ़ोन टैप कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं आप विपक्ष के लोगों का फ़ोन टैप करते हैं पैगेस सॉफ्टवेयर को कैसे आपने किया है क्या ख़रीदा है किसको आउटसोर्स किया है कितना पैसा दिया है सब बताइए मैं सब कुछ पार्लियामेंट में क्लियरली बता चुका हूँ एकदम क्लियरली आई एम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन आई हैव सम्पॉन्सिबिलिटी मैंने बहुत क्लियरली बताया है कि व्हाट एवर इज वॉट एवर द गवर्नमेंट इज डूइंग इज एब्सोल्यूटली विद इन दॉ फोर वॉल्स ऑफ द लॉ जो लॉ सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किए उसी के अनुसार सब कुछ कर रहे हैं कोई भी सरकार हो चाहे ये सरकार इससे पिछली वाली सरकार उससे पिछली वाली सरकार उससे भी पिछली वाली सरकार अगर रूल्स को तोड़े तो उसको जिम्मेदार बनाओ हमने कोई रूल्स नहीं तोड़े नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे आप लोग सुनते हैं बातचीत देखो आप पूरे बड़े से इतने बड़े फील्ड को एक छोटे से नैरो पॉइंट में मत डालो आप खुद आप खुद समझते हो आप खुद समझते हो कि सरकार चलाने की जिम्मेदारी में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं ऐसा नहीं है दुनिया भर में ऐसा होता है कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है वॉट इज इम्पोर्टेंट इज़ रूल्स का जो फ्रेमवर्क बना है उस फ्रेमवर्क में है हम हम जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कुछ सवाल बहुत लोग पूछना चाह रहे हैं अश... हाँ पूछिए आप पूछिए प्लीज़ माइक दे दीजिएगा सर uh, आप लोग नॉर्थ ईस्ट रीजन को बहुत ही बड़े पैमाने पर कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो नेशनल सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट से ये कितना महत्वपूर्ण रहेगा और किस तरीके की कोशिश रहेगी कितना समय इसमें आपको लगेगा बहुत अच्छा क्वेश्चन थैंक्स इसी में जोड़ना चाह रही सर चीन के कितने करीब तक जाने की हम सोच रहे हैं देखो नॉर्थ uh, ईस्ट के सारे के सारे, सारे, सारे स्टेट्स को रेलवे की कनेक्टिविटी देना टेलीकॉम की कनेक्टिविटी देना ऑप्टिकल फाइबर की कनेक्टिविटी देना ये प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से घोषणा की है कि हमको सबको संकल्प दिया है कि हमें ऑल दी स्टेट कैपिटल्स वी हैव टू कनेक्ट बहुत सारे सारे के सारे बहुत तेजी से काम चल रहा है अभी मेरे ख्याल से कुछ भाई कुछ अपने फ्रेंड्स गए भी थे वहाँ पे वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज अपने नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में बन रहा है टीम्स आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन इट मुझे लगता है दो तेईस के आसपास तक करीब करीब सारे कैपिटल्स कनेक्ट हो जाएंगे मेघालय में थोड़ा सा इशू है अभी हम लोगों को ट्राई कर रहे हैं कन्विंस करने के लिए बिकॉज दे आर बिलीव दे आर थिंकिंग कि शायद रेलवे आने से बहुत बाहर से दूसरे लोग आ जाएंगे बट वी आर ट्राइंग टू कन्विंस दम इसी तरह से टेलीकॉम कनेक्टिविटी के लिए भी पीछे भी बहुत सारे नए टावर्स दिए गए थे और अभी भी फ्रेश सर्वे चल रहा है बिकॉज नॉर्थ ईस्ट की यूनिक है जोग्राफी आपका एक छोट ये पहाड़ होगा आधा गांव इधर है आधा गांव उधर है आधा गांव तो उसको कनेक्ट करना है तो इट इज़ वेरी तीनों very में सबसे मुश्किल मंत्रालय कौन सा है सर लेगेसी <laughs> के हिसाब से टेलीकॉम टेलीकॉम में लेगेसी इश्यूज बहुत सारे हैं तो कॉम्प्लेक्सिटीज काफ़ी है हाथ कई जगह बंधे हुए हैं क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं रेलवे बिकॉज ऑफ द इनर्शिया महस बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से आईटी सिंपलर जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर अच्छा काम कर रहा है और डिजिटल इंडिया का ये, ये ये आपने पूछा मुझे बहुत अच्छी चीज ध्यान में आई अभी हम लोगों ने एक कंपटीशन uh, किया था स्कूल के बच्चों का hmm. देश भर में स्कूल के बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पे एक चैलेंज दिया हमने hmm. ऐसे ऐसे रिजल्ट्स आए और ये पहली बार नहीं किया स्कूल के बच्चों के साथ स्कूल के बच्चों के कॉम्पिटिशन हमने कम से कम सात या आठ किए अभी देश भर में स्पेशली स्टार्टअप स्टार्टअप से रिलेटेड ऐसे ऐसे रिजल्ट आए यू कैन नॉट बिलीव जोर हट का एक बच्चा प्रियम उसने क्लास में मेरे जैसे बच्चे जो थे क्लास में सो जाते थे तो, <laughs> तो उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्वॉल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क बेस्ड फेसियल रिकोगशन एंड मैंने कहा यार तू नौवीं क्लास में भाई मैं जब नौवीं <laughs> क्लास में था मेरे से ए बी सी डी ढंग से नहीं बोला जाता इज़ द रिस्पॉन्स वी आर किट अशोक जी आपका सवाल होगा इससे मुझे एक सवाल याद आ गया सर आजकल वो एक के बाद एक सीओ अमेरिका में सब इंडियन बन रहे हैं तो लोग कह रहे हैं पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा अमेरिका क्यों भाई हमने पढ़े क्या आपने आपने पढ़े पढ़े क्या पढ़े क्या सभी तो पढ़े पढ़ के इंडिया ही बना रहे, है। रहे हैं पर स्टार्टअप्स वगैरह पर इतना जोर है आप लोगों का क्या इस तरह का एनवायरमेंट हमारे देश के अंदर होगा कि बिल्कुल है ऐसे जाइंट्स होंगे जिसको जो जो रूल करेंगे वर्ल्ड को बिल्कुल है और देखो जब प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप इंडिया का प्रोग्राम चालू किया था लोग हंस रहे थे लोग कहते थे जुमला पता नहीं क्या क्या शब्द बोलते थे पीएम साहब ने तब संकल्प लिया था 2016 में कि 2025 तक हमारे 100 यूनिकॉर्न्स होंगे अभी हम 2021 में कितने बन गए Already we have 70 ऑलरेडी वी हैव 70 यूनिकॉर्न्स सोचा था कि बीस हजार पच्चीस हज़ार स्टार्टअप्स आएंगे अब तक कितने स्टार्टअप्स हो गए 50,000 प्लस और कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं हाफ अ मिलियन साढ़े पांच लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं देखो काम बहुत सिस्टमेटिक तरीके से होता है हम लोग बोलता बोलते कम है प्रचार कम करते हैं इसलिए अब तैयार है इस पॉलिटिक्स के वर्ल्ड के लिए सॉफ्ट स्पोकन लगते हैं इट्स अ लाउड एंड बिग वर्ल्ड देयर पॉलिटिक्स वाला सबके लिए जगह होती है अशोक जी अश्विनी जी एक सवाल कि पुराने मित्र डर लगता है अरे <laughs> आपने अटल जी के साथ भी काम किया हालांकि उस टाइम भूमिका आपकी अलग थी पीएसए आप और अब मोदी जी के साथ काम किया दोनों प्रधानमंत्रियों में क्या फर्क है अटल जी और मोदी जी में जी का, मैंने कहा ना ये प्रश्न पूछेंगे देखो दोनों के दोनों समय अलग थे वो समय अलग था ये समय अलग है इकोनॉमी अलग थी मीडिया अलग था वो टेलीकॉम तब क्या क्या आया था आया ही था आज का टेलीकॉम क्या है तब मीडिया में टीवी नया आया था आज सोशल मीडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया इकोनॉमी की क्या साइज़ थी आज की क्या साइज है लॉट हर एक समय के हिसाब से एक नया नेता जब उदय होता है तो हर समय के हिसाब से होता है इसमें आप कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहिए और अशोक जी को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको लगा था जो इतनी मीठी बोली बोलता है आपको कुछ ऐसा हेडलाइन वाला जवाब देगा ऐश्वर्या <laughs> सर जब आपकी सोशल मीडिया कंपनी से मीटिंग्स होती हैं तो क्या आपको ऐसा लगता है दैट दे आर रिसेप्टिव जो सरकार उनसे कहने की कोशिश कर रही है क्योंकि कहीं ना कहीं पहले जब बात हुई थी तो दे केम बैक एंड सेट के लॉ इज टू कॉम्प्लिकेटेड कई बार उन लोगों ने कुछ कुछ लूपोल्स निकालने की कोशिश करी तो अब जब बात होती है तो क्या आपको लगता है कि वो समझ रहे हैं कि वॉट द इंडियन गवर्नमेंट वॉन्ट्स एंड फ्रॉम वेर इट इट इज कमिंग जहाँ पर भी किसी को डाउट होता है वी ट्राई टू गो आउट ऑफ आवर वेन एंड एक्सप्लेन आवर इंटेंट फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया इंटरमीडिएटी रूल्स आए तो उस पर हमने एफेक्यूज बनाए मेरे साथी राजीव जी ने उसको डिटेल में इंडस्ट्री को समझाया सोशल मीडिया को समझाया सभी प्लेटफॉर्म्स को समझाया आ इंटेंट इज़ वेरी क्लियर वी आर वर्किंग विद अ वेरी क्लीन हार्ट एंड आवर फोकस इज़ हम यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को ट्रस्ट को रिटर्न वर्ड में जो इम्प्लिसिट फेथ होता है उसको उन सब पॉइंट्स को लेकर सारा काम कर रहे हैं हमारा और कोई दूसरा इंटेंट नहीं है इसमें एक आखिरी छोटा सा सवाल प्लीज़ जी मैम बिल्कुल छोटा सा सवाल है सर एक करीबन 20 साल हो गए हैं आईटी एक्ट को आए हुए क्या टाइम आ गया है अब एक्ट बदलने का एक आर के एक्ट हो गई है और इसी के चलते जो सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं कहीं ना कहीं सोशल मीडिया क्योंकि सोशल मीडिया उस टाइम पर था ही नहीं जब आई एक्ट आया था तो क्या उस संदर्भ में सरकार क्या कर रही है और सर इसी से एक जुड़ा हुआ सर आ, सवाल भी रहेगा भारत नेट का कितनी रीच हो गई है और इंटरनेट जो इतना वैल्यूबल है डिजिटल इंडिया के लिए उसे कहाँ तक लेके जाना चाह रहे थे जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो समय के साथ बदलना चाहिए फॉर श्योर sure. और मोदी जी ने तो एक स्टेप जाके और भी किया काम 1500 के आसपास पुराने आरके कानूनों को स्टैचू बुक से हटा दिया है तो आईटी एक्ट की बात है आईटी एक्ट में भी डेफिनेटली टाइम्स so तो जल्दी आप सबके साथ कंसल्ट करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये इंटरव्यू और इसके जरिए अपनी तमाम बातें थैंक यू बहुत धन्यवाद